हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी क्रेविंग्स। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही झटपट बनने वाला इंटरेस्टिंग सा डेजर्ट लेके आई हूँ, जो कि है वर्मिसली कस्टर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी एक चम्मच घी और इसे मेल्ट होने देते हैं। और जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो गया, गर्म हो गया, मैं इसमें डालूंगी आधा कप सेवियाँ। मैंने रोस्टेड सेवियाँ ली है, आप चाहें तो नॉर्मल सेवियाँ भी ले सकते हैं। और इसे हम हल्का सा इसमें भूनेंगे, लगभग एक मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। हमारी सेवई रोस्ट हो चुकी है और अब हम इसको साइड कर देंगे। और गैस पर मैं रखूँगी एक दूध का बर्तन, इस पर मैंने दूध को पहले से बॉयल करके रखा हुआ है और ये तकरीबन 4 कप दूध लिया है मैंने इसके अंदर। और इसमें मैं डाल दूंगी 4 चम्मच चीनी। और जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो रही है, तब तक हम एक कटोरी में कस्टर्ड मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड लिया है, मैंने बटर स्कॉच का फ्लेवर लिया है, आप कोई सा भी फ्लेवर का ले सकते हैं। और इसको हम दूध के साथ मिक्स करके एक इसका घोल बना लेंगे। ये हमारा घोल रेडी है, इसमें ध्यान रखें कोई भी लम्ब्स ना रहें। और मैं प्रेफर करती हूँ कि जब भी आप कस्टर्ड पाउडर को घोलें तो आप उसे ठंडे दूध के साथ घोलें, क्योंकि अगर आप गर्म दूध डालते हैं तो इसमें लम्ब्स पड़ने के डर रहता है। तो हमारी शुगर भी इसमें डिज़ोल्व हो गई है और अब हम इसमें धीरे धीरे ये कस्टर्ड का घोल डालते रहेंगे और एक लैडल की हेल्प से इस दूध को मिक्स करते रहेंगे। और अब मैंने सारा डाल दिया और अब हम इसे हिलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा दूध थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 1-2 मिनट के अंदर ही हमारा जो कस्टर्ड है वो थिक होना शुरू हो गया है। और जब भी आप कस्टर्ड पकाएं तो उसे हिलाते हुए रहें बीच में कंटिन्यूस, क्योंकि ये नीचे से लग भी जाता है और फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी। तो अब आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने सेवियाँ रोस्ट की हुई थी, ये रोस्टेड सेवियाँ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम गैस की फ्लेम को, इसको सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए हमें पकाना है, और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। और जैसे ही ये ठंडा होता है उसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो सेवियाँ हैं ये इसी के साथ रह रह के सॉफ्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये ठंडा होता है मैं इसे फ्रिज में डाल दूँगी और मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। तो 2 से 3 घंटे हो गए, हमने इसको फ्रिज से निकाल दिया है और हम चेक करते हैं। यस, ये काफ़ी थिक हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये थिक हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे और सर्व करने के लिए मैंने ग्लासेस के अलावा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया है, जैसे मैंने बादाम लिए हैं, किशमिश लिया है, और गार्निशिंग के लिए टूटी फ्रूटी लिए। और इसके अलावा ग्लासेस में नीचे बेस में हम लगाएंगे चॉप्ड फ्रूट्स, आप अपने मनपसंद के फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने मैंगो और बनाना लिया है, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। चलिए इसे सेटल करते हैं। तो इस तरीके का मैंने एक ग्लास ले लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी पहले नीचे से थोड़े से चॉप्ड फ्रूट्स, आप चाहें तो ग्रेप्स वगैरह भी डाल सकते हैं। चॉप्ड फ्रूट्स हमने डाल दिए हैं और अब मैं इसमें डाल दूंगी ऊपर से हमारा वर्मिसली कस्टर्ड और हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। और ये मैंने आधा ग्लास फिल कर दिया है और आधे के बाद हम फिर से लेयर लगा देंगे फ्रूट्स की। और बीच में मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी भी डाल देती हूँ, एक क्रंच सा आ जाता है इसमें। और अगेन हमको फिर से ऊपर से कस्टर्ड डालना है। और ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है और स्टार्टिंग में हम अब ऊपर से चॉप्ड ड्राई फ्रूट से हम इसे भर देंगे। मैंने डाले बादाम, किशमिश और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और ये हमारा रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप अपने बाकी के ग्लासेस भी रेडी कर लेंगे।
तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा वर्मिसेली कस्टर्ड रेडी है। होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।